धार पुलिस को अवैध हथियारों का कारोबार करने वालों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मनावर पुलिस ने 85 अवैध पिस्तल देसी कट्टे की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही चोरी किए गए करीब 8 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात, नकदी सहित 3 शातिर बदमाशों को पकड़ने में मनावर पुलिस ने सफलता हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे मामले की जानकारी देते हुए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर से मनावर थाना प्रभारी नीरज बिरथारी को सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में सिकलीगर सक्रिय है, जिसके बाद 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे कुल 85 अवैध पिस्तल और देसी कट्टे बरामद किए गए। हालांकि इस कार्रवाई में एक सिकलीगर मौके से फरार होने में कामयाब रही, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। क्या रहा सर? आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारी टीम, जिसमें एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी धीरज बब्बर, टीआई नीरज बिरथरे, टीआई मनावर, क्राइम की टीम, साथ में हमारे चौकी प्रभारी सिंघाना और बाकानेर, हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक अच्छी बड़ी सफलता हासिल की है। हमने पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, विनोद और दीपक सिंह सिकलीकर और जगत सिंह। इनमें से विनोद, दीपक सिंह, पवित्र सिंह और राहुल सिंह, ये 4 जो व्यक्ति हैं, चारों एक ही परिवार के हैं और ये ताला चाबी बनाने के नाम से गांव में घूमते थे और सोने घरों में चोरी करते थे। इनसे 3 चोरी का माल रिकवर हुआ है, जो जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है। और जगत सिंह गुजरात पुलिस का वांटेड क्रिमिनल है, वहाँ की बड़ी खेप के मामलों में फरार था। पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 85 अवैध हथियार जब्त किए हैं इन लोगों से, जिसमें 6 पिस्टल हैं, 40 जिंदा कारतूस हैं और 3 चोरियों का मशरूका, जिसमें जिसकी टोटल वैल्यू करीब 10 लाख रुपये है और 1 लाख रुपये इनसे कैश रिकवर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में इन आरोपियों द्वारा की गई चोरी का खुलासा हुआ है, जिनसे करीब 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।